गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास, टुडे वी विल कंटिन्यू लेसन नंबर 9, जर्नी ऑफ फूड इन EVS. सो टुडे वी विल डू एक्सरसाइज इन योर बुक. फर्स्ट ए पार्ट, टिक द करेक्ट आंसर. डैश इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड आइटम. फूड आइटम का प्रोड्यूसिंग के लिए प्रोसेस क्या होता है? फर्स्ट फार्मिंग, प्लोइंग और हार्वेस्टिंग. फार्मिंग. डैश इज यूज टू एनरिच द न्यूट्रिएंट इन द सोइल. सोइल में न्यूट्रिएंट लाने के लिए क्या करते हैं हम? उसमें मैन्योर यानी कि खाद मिला देते हैं. डैश इज अ प्लेस वेयर फूड आइटम्स आर प्रोकर्ड इन बल्क. बल्क में ज़्यादा मात्रा में हमें जहाँ से फूड लेना होता है वो कौन सा स्थान है? मार्केट, मंडी और बाजार. मंडी. नेक्स्ट बी, फिलिंग द ब्लैंक्स. प्लोइंग मेक्स द सोइल डैश. प्लोइंग करने से, खेती करने से मिट्टी क्या हो जाती है? सॉफ्ट हो जाती है. स्मॉल शॉपकीपर्स आर नोन एज डैश. स्मॉल शॉपकीपर्स जो छोटे दुकानदार होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, किस नाम से जाना जाता है? रिटेलर्स. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर पैक्ड इन डैश. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स किस में पैक किए जाते हैं? वुडन बॉक्सेस में. डैश एंड डैश आर द पेस्ट विच पोज अ थ्रेट और टू द क्रॉप्स. क्रॉप्स में कीड़े लगने, मतलब जो पेस्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? लोकर्स एंड रेड्स. रेड्स यानी कि चूहे या फिर टिडियाँ. नेक्स्ट आपको मैच द कॉलम्स. कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है. प्लो. प्लो को हम करेंगे फार्मिंग से. वन का डी. यहाँ पे देखिए बॉक्सेस में आप लिखेंगे वन और इधर डी. ट्रक्स. टू का हो जाएगा हमारा सी. मंडी, यहाँ पे टू सी. मैन्योर, खाद. खाद से क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. थ्री का बी. एंड फोर्थ है वेंडर. कॉमन. फोर का ए. नेक्स्ट, नेम द फॉलोइंग इन वन और टू वर्ड्स. जो नीचे आपको क्वेश्चंस दिए हैं इनका आंसर आपको वन और टू वर्ड्स में देना है. द अदर नेम ऑफ होलसेल मार्केट. होलसेल मार्केट का अदर नेम, दूसरा नाम क्या है? मंडी. ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड इन ट्रांसपोर्टिंग फूड स्टफ. कौन से ट्रांसपोर्ट फूड स्टफ को पहुंचाने में हेल्प करते हैं, यूज़ किए जाते हैं? ट्रक्स, ट्रैक्टर्स एंड ट्रेन्स. द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स ऑन द फील्ड्स. फील्ड्स में, खेतों में क्रॉप्स को, फसल को बढ़ाने के लिए कौन सी प्रक्रिया होती है? कल्टीवेशन. सीरियल्स एंड पल्सेस आर पैक्ड इन. अनाज और दालें किस में पैक किए जाते हैं? गनी बैग्स. तो ये आपको पेज नंबर 42 आपको अपनी बुक में फिल करना है और ये आपको एक्सरसाइज और ये क्वेश्चन आंसर आपको लर्न भी करने हैं. ओके, थैंक यू.